बाहर रखती है और हम लोग बड़े सुंदर सुंदर बर्तनों भोजन करते हैं, इसका मतलब क्या है? अम्मा बोली, बेटा ये तेरे समझ में नहीं आएगी, तेरे मतलब की बात नहीं है ना। अब बालक से क्या जवाब दे? बोले नहीं तुम छोड़ो, कोई बात नहीं है, ऐसे ही है। बोले नहीं नहीं अम्मा तुझे बताना पड़ेगा, तू मुझसे प्यार करती है ना। बोले बेटा मैं अपने प्राणों से भी ज्यादा तुझसे प्यार करती हूँ, तो अम्मा देख तो मेरी सौगंध है, तुझे बताना ही पड़ेगा। आज अम्मा बाबा को जब सौगंध खिला दी नाती की, तो नाती की सौगंध झूठी अम्मा बाबा नहीं खा सकते, आज मम्मा को कहना ही पड़ा। मन समझाने के लिए फिर भी बात बदल दी। बेटा बात ऐसी है ना, जो गंदे लोग होते हैं ना वो इन्हें मिट्टी के बर्तन में भोजन करते हैं, और जो अच्छे अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे तेरे मम्मी पापा हैं, हैं तू अच्छा बेटा है, जो अच्छे लोग होते हैं ना वो अच्छे बर्तनों में भोजन करते हैं। अच्छा तो अम्मा तू मुझसे प्यार करती है ना? बोले बहुत ज्यादा। बाबा तुम भी करते हो ना? बोले हाँ बिल्कुल। तो मेरी एक बात मानोगे? बोले जो तू कहेगा सो मानेंगे। बोले रखो मेरे सर पे हाथ। दोनों ने सर पे हाथ रख दिया, तेरी सौगंध जो तू कहेगा वही करेंगे। तो बाबा एक काम करना, आज रात निकलते ही कल सुबह जब तुम्हें अम्मा बाबा भोजन देने आएंगी ना माता जी, और मैं दरवाजे में से साइड में से खड़ा होकर के देखूंगा, और जैसे ही मैया तुम्हें भोजन दे करके जाएगी मैं तुमसे कहूंगा बाबा तोड़ अम्मा तोड़, तो तुम दोनों की दोनों इन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। अम्मा बोली बेटा अच्छी वाली रोटी मिल रही है, बहू में तू खलबली करवाए बेट लाला, काय को बेकार की बात करे छोरा। बोले अम्मा देख ले तेने मेरी सौगंध खाई है, अब कुछ मैं कहूं? अब बेचारे सौगंध में फंस गए अम्मा बाबा। बोले ठीक है बेटा जो तू कहेगा वही करेंगे, नाती की सौगंध जो खाई है। अब रात निकल गई, घर में थोड़ा जल्दी पहुंच गया, दरवाजा बंद कर लिया, माता जी आई, पता नहीं चला क्या हुआ। सुबह होते ही पति देव रूटी निकल गए, अब भोजन का समय हुआ 10, 11, 12 जो भी बज गए। थाली में भोजन परोसा, तैयार किया, उल्टा सीधा लाई, ला करके दोनों बुड्ढो बुढ़ियों के आधे आधे बर्तनों में डाल दिया। बोले लो खा लो। जब देखो जब पड़े रहते काम के ना काज के, खुल खुल खुल। और जैसे ही पत्नी अंदर गई दे करके भोजन को, वो अपने काम में लग गई। अब नाती दरवाजे के पास में खड़ा होकर कह लगा अम्मा। बोले हाँ बेटा। बाबा बोले हाँ लल्लू। बोले तोड़ दे। बोले रहन दे बेटा। बोले अम्मा तोड़। बोले रहन दे बेटा। बोले बाबा तोड़। बोले रहन दे बेटा। बोले सौगंध खाई है। अब जैसे ही गई के सौगंध खाई है, एकदम अम्मा बाबा ने दोनों की दोनों ने धड़ाम से बर्तन छोड़ दिया, बर्तन टूट गए। लौट के तुरंत आई, बुड्ढे बुढ़िया तुमको शर्म नहीं आती, पड़े पड़े खाते रहते हो, मैं भी तुम्हें भोजन दे करके गई थी, तुमने बर्तनों को तोड़ दिया, भोजन को खराब कर दिया, पड़े पड़े खाते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। इतने में पतिदेव किसी कारणवश लौट करके आ गए, उनने आकर के देखा दरवाजे में महाभारत हो रहा है, वो भी शुरू हो गया। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती बुड्ढे बुढ़िया? क्या मम्मी पापा तुम भी बेकार की बात करते हो, बहू को दिन भर परेशान करते रहते हो, तुम्हारी सेवा करती है, तुम्हें भोजन कराती है, और तुमने मिट्टी के बर्तन तोड़ दिए। ये 20 रुपए के मिट्टी के बर्तन आए थे, तुम्हें पता है 20 रुपए कहां से आते हैं, मैं कैसे कमा के लाता हूं, तुमने मेरा 20 रुपए का नुकसान कर दिया। इतने में नाती निकल करके आ गया, बोले पिताजी चुप, बहुत देर हो गई तुम दोनों को पकड़ पकड़ बोलते बोलते, बिल्कुल चुप। 5 वर्ष के बालक ने साइलेंट कर दिया, बोले बिल्कुल चुप। पिताजी देखते रह गए, बोले क्या बात है भाई तू बीच में क्यों आ रहा है? बोले हट। बोले नहीं पहले मेरी सुनो। पिताजी बोले तेरी क्या सुने? बोले पहले मेरी सुनो।